उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए सरकार तो हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के मुलाजिमों को अपने आगे सरकारी योजना बंदरबांट करने से बाज नहीं आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण बलिया के महिला जिला चिकित्सालय में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे सरकार की योजनाओं को बंदरबांट करने से बाज नहीं आ रहे, जिसका जीता जागता उदाहरण बलिया जनपद के महिला जिला चिकित्सालय में देखने को मिला, जहां मरीजों को बाहर से दवा खरीदने पर डॉक्टर मजबूर कर देते हैं और मरीज के परिजन प्राइवेट दवा केंद्रों से दवा खरीद अपने मरीज को देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे डॉक्टरों की मोटी कमाई का एक नया जरिया बनता है। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीज के परिजन इस बाहर की दवा की खरीद कर लाते हैं, कैसे खरीद कर लाते हैं और लागत 500 रुपए से लेकर 7000 रुपए तक की दवा खरीद कर अपने मरीज को ठीक कराते हैं, लेकिन महिला चिकित्सालय में रखी हुई दवा से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस दवा से आपके मरीज ठीक हो सकते हैं। ये सरकारी दवा मरीजों को नसीब नहीं होती, सरकारी दवा ही भगवान भरोसे है, जिससे महिला चिकित्सालय में हर महीने एक बड़ी घटना घटती ही रहती है। जब महिला सीएमएस से बात की गई तो उनका कहना है कि जिला चिकित्सालय में दवा मौजूद है और किसी भी मरीज को बाहर से दवा नहीं बल्कि जिला चिकित्सालय से ही दवा दी जाती है। आइए सुनाते हैं मरीज की जुबानी, मरीज क्या कहते हैं। 7000 का बाहर से हॉस्पिटल से दवा नहीं मिलती आप लोगों को? मिलता है, छोटा सीरिन होता है तो क्रिटिकल केस होता है उसका बाहर से क्रिटिकल हो जाता है ऑपरेशन का, बड़ा केस होता है उनके लिए दवा बाहर का दवा नहीं मिलती, जिसका बड़ा ऑपरेशन होगा उसके लिए नहीं बाहर से आना पड़ेगा। इतना हमको नॉलेज नहीं है, हमारा फर्स्ट है जी जी, और हमको इतना मालूम हमारा केस बड़ा है जो हमको पता है। ठीक, जिनका ऑपरेशन नॉर्मल हुआ या नॉर्मल बच्चा हो गया उनका चल रहा है इधर से, उनका एक रुपये दो बाहर से हमारा बड़ा, इसलिए हमको बाहर से इशू करके हमको अपने पेशेंट से मतलब पेशेंट ओके हो जाए। अल्ट्रासाउंड मेरे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक मुझे कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिला। सफाई कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किया जाता है, सफाई रखता है लोग, ये है कि मरीज का लोड ज़्यादा है तो थोड़ा सा दिक्कत तो रहता है ये मेंटेन करने में, लेकिन फिर भी मेंटेन करता है। दवा अंदर से मिलती है डिलीवरी के बाद, जो दवाएं अभी है हमारे पास वो सब मिलती है। सीजर की सारी बोतलें सब चीज सुई वगैरह सब अस्पताल में उपलब्ध। बलिया से रत्नेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।